राजस्थान अंता एनटीपीसी के प्रशासनिक भवन सभागार में एनटीपीसी द्वारा नेगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण अभियान शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता रहे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बालिका सशक्तिकरण अभियान 10 मई से 9 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करना, बालिकाओं को हिंदी इंग्लिश में शिक्षा, नृत्य समय समय पर सामाजिक गतिविधियों में अव्वल रहना, शिक्षित करना, स्वस्थ रहना आदि के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाना रहा। इस दौरान एनटीपीसी महाप्रबंधक बालाजी बी नरारे, प्रेरणा महिला मंडल अध्यक्ष छाया नरारे, एस के मिंज मृणालिका सहित कई विभागीय अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर और आज कंप्लीशन तक, शुरू में शायद सभी के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से तैयार हुए होंगे इस प्रोग्राम में अपने बच्चों को, इसे छोटे बच्चों को, फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे हैं जो फिफ्थ पास आउट हैं, सिक्स क्लास में अब आए हैं और जिनकी उम्र 10, 11, 12 साल होगी। इतने छोटे बच्चे अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहे, अपने माँ बाप से दूर नहीं रहे और ये बहुत कठिन डिसीजन है माँ बाप के लिए अपने इतने छोटे बच्चों को अपने घर से दूर भेजने का। ऐसे समय में आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा, ये डिसीजन लिया और आज उसको रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे। आज जो प्रोग्राम इन्होंने दिया, इससे साफ लगता है कि इनके जो 30 दिन का यहाँ पे इन्होंने ये रहे हैं, कितने इनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। कुछ 2-3 बच्चों ने एंकरिंग की है, एंकरिंग करना इतना आसान नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।